गुड मॉर्निंग आज। और अब हम आ चुके हैं हमारे फेवरेट सेशन में, जो है पाकिस्तान के चमकते सितारे। और आज का चमकता सितारा बहुत ही मल्टी टैलेंटेड है, क्योंकि आयशा सिंगिंग भी करती हैं, मॉडलिंग भी करती हैं, साथ साथ सॉन्ग्स भी अपने खुद लिखती हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए आयशा। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। और ये बताएं गुड मॉर्निंग आज में आके कैसा लग रहा है? आई एम फीलिंग गुड। गुड, अच्छा ये बताएं कब से सिंगिंग कर रही है? सिंगिंग वैसा तो बचपन से ही कर रही थी, लेकिन प्रोफेशनली 1 ईयर हो गया मुझे। अच्छा, तो सॉन्ग्स भी आप अपने खुद लिखती हैं? खुद लिखती हूं, बता रही थी। खुद लिखती हूं। अच्छा, इतना टैलेंट कहाँ से कि मॉडलिंग भी करनी है, सिंगिंग भी करनी है, सॉन्ग्स भी खुद लिखने हैं, कहाँ से ये सब कुछ? इट्स ऑल अप टू अल्लाह ताला के उसमें। डेफिनेटली वही, लेकिन कोई भी काम आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको फैमिली की सपोर्ट ना हो। तो आपकी फैमिली की सपोर्ट कितनी है? फैमिली की सपोर्ट बहुत ज्यादा है, स्पेशली मेरी मदर। उन्होंने बेतहाशा मेरी हेल्प की है। कहीं जाना है शूट से, आपको पता है समटाइम ऐसा होता है, कोई प्रोजेक्ट ऐसा आता है कि आपको पढ़ना ही होता है, तो वो बेचारी बस हमेशा रेडी रहती है, मेरे कैरियर मेरी सपोर्ट लगी रहती है, और पूरा जो आज मैं हूँ यहाँ बैठी हुई हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ हर। डेफिनेटली घर वाले अगर सपोर्ट नहीं करें तो कोई भी चीज मुमकिन नहीं होगी। अच्छा, कौन सा सॉन्ग आप हमें सुना? अपना ही सॉन्ग गाऊंगी, साथिया। गाने फिर जल्दी से, कोई लिखा भी मैंने खोजा। साथिया साथिया ओ माहिया माहिया, पल कोई हो तुम देना साथ, लम्हा कोई हो तुम रहना पास, पल कोई हो तुम देना साथ, लम्हा कोई हो तुम रहना पास। ये बातें हैं अजब सी, ये बातें हैं गजब की, हम दोनों के बीच, हम दोनों के बीच, पल कोई हो तुम देना साथ। वेरी नाइस, बहुत प्यारा आपने गाया है और आपने खुद लिखा है। तो मुझे बड़ी तश्वीश हो रही थी कि आपने क्या सोच के गाना लिखा। मोस्टली लोग यही सोचते हैं फ्रेंड्स वगैरह कि शायद मैंने कोई लड़का होगा उसको सोच के स्पेशली ये लिखा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। बस कहते ना कि अब जब आपको शौक होता है ना कुछ लिखने के लिए, तो आप वो लिख लेते हो, फिर वो कोई भी चीज हो सकती है। टेक्स्ट नहीं, कितने दिन में लिखा? कितने दिन में? 2 डेज मुझे लगे ये गाना लिखने में। पहले एक वर्ड आया मेरे दिमाग में, एक लाइन आई गया, मुझे गाना लिखना चाहिए। फिर मैंने सोचा यार अब जब ये लाइन लिख ली तो इसको कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, करते करते वो कंप्लीट। इज इट योर फर्स्ट सॉन्ग या इससे पहले भी आप? ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग था। फर्स्ट सॉन्ग, तो कोई वीडियो वगैरह बनाया? वीडियो भी बनाई है। अच्छा, इस सॉन्ग की वीडियो चैनल भी यूट्यूब पे आप सुन सकते हैं, सैयद आयशा अली के नेम से। अच्छा आयशा, क्योंकि आप मॉडलिंग भी करती हैं, आप बता रही थी, और साथ साथ आप सिंगर भी हैं, तो कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि आपको साथ साथ मॉडलिंग भी करनी पड़ गई और आपको कहा कि जी आपने सिंगिंग भी करनी है और आप शो स्टॉपर भी हैं, समथिंग कुछ ऐसा हुआ? क्योंकि अगर मॉडल सिंगर भी हो तो उसके साथ ये दोनों काम आ जाते हैं। या होता है ऐसा, बहुत सारी सिचुएशन है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ना, जब मैंने अपना सॉन्ग कंपोज किया और जब वो पूरा मेक हो गया, तो मेरे डायरेक्टर ने कहा कि मॉडल लेने की जरूरत क्या है, तुम खुद करो, खुद कर लो, बजट बचता भी है। यानी जो आपने अपना फर्स्ट वीडियो शूट किया उसमें मॉडल भी आपको मैं खुद हूँ। जबरदस्त। अच्छा आयशा, ये बताइएगा कि आप किसको आइडियलाइज करती है, कौन आपका फेवरेट सिंगर है? कौन फेवरेट सिंगर है? वैसे तो बहुत सारे, लेकिन नाज़िया हसन इज माई फेवरेट सिंगर। वेरी नाइस। नाज़िया हसन का कोई सॉन्ग अगर आपको याद हो तो आप सुना सकते हैं? नाज़िया हसन का याद है, और बहुत सारे प्रोग्राम्स में गाती भी रहती हूँ। श्योर मैडम। और वांट टू डेडिकेट टू माय मदर, उनका फेवरेट सॉन्ग। दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे, दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे, मेरी इल्तजा है खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे, हो दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे। वेरी नाइस, बहुत प्यारा आपने गाया सॉन्ग, और वी विश यू बेस्ट ऑफ लक आपके तमाम काम के लिए, आपकी मॉडलिंग के लिए, आपकी सिंगिंग करियर के लिए, और इसी तरह आप मेहनत से आगे चलती रहें। थैंक यू।
तो जी ये हमारे साथ थी पाकिस्तान का चमकता हुआ सितारा आयशा, जो कि सिंगर भी हैं, मॉडल भी हैं और लिरिक्स भी खुद लिख लेती हैं अपने सॉन्ग की। एकदम देखिए कितना टैलेंट है हमारे मुल्क। बिल्कुल, और अगर आप में भी ऐसा कोई खास टैलेंट है और आप भी इस सीट पर आना चाहते हैं तो जरूर अपनी कहानी हमें बताएं हमारे सोशल मीडिया साइट्स पर। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी सेम टाइम सेम चैनल कुछ नए मेहमानों के साथ और कुछ नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग।